बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा फोर्ज फीस्टा फ़ैन वायरिंग डायग्राम के बारे में। इसका जो रेडिएटर फ़ैन होता है और जो रेडिएटर और कंजेंसर फ़ैन इसका एक ही होता है, ये फ़ैन कब लो स्पीड में चलता है, कब हाई स्पीड में चलता है, अब कब बंद होता है, तो ये लो स्पीड हाई स्पीड कैसे ऑन होता है, कैसे ऑटोमेटिक बंद होता है, तो इसके बारे में मैं मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। इसका मैंने वायरिंग सर्किट करके दिखाऊंगा, जो एक एक वायरिंग कहाँ से आ रहा है और इसका वायरिंग कहाँ से जाके ये हाई स्पीड या लो स्पीड वायरिंग इसका करता है। वीडियो आखिर तक देखना, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, इंशाल्लाह मैं इसका आंसर ज़रूर दूंगा। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो और अपना दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। मैंने इसका जो ए होगा फोर्ज फीस्टा का फ़ैन वायरिंग डायग्राम, मैंने इससे पहले फोर्ज फीको का फ़ैन वायरिंग डायग्राम किया था। लगभग दोनों सेम ही हैं, वायरिंग कलर थोड़ा इधर उधर है। बाकी मैं फिर से आप लोगों को कहने से मैं दोबारा इस वीडियो को बना रहा हूँ, मतलब फोर्ज फीस्टा का फ़ैन का जो मैकेनिज़म है उसको बताऊँगा इंशाल्लाह। चलो सबसे पहले देख लेते हैं फोर्ज फीस्टा का जो फ़ैन वायरिंग डायग्राम है वो करने के लिए कंपनी ने कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया। सबसे पहले दो फ्यूज़, एक होगा आपका लो स्पीड फ़ैन रिले, एक होगा आपका हाई स्पीड फ़ैन रिले, एक होगा रेसिस्टर जिससे फ़ैन का स्पीड हाई स्पीड लो स्पीड होगा, एक होगा आपका ECM, एक होगा आपका ECT सेंसर, मतलब होता है इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, एक होता है HPLP, इसका मतलब होता है AC प्रेशर स्विच, और HPLP का मतलब होता है हाई प्रेशर लो प्रेशर, ठीक है, और एक होगा कूलिंग फ़ैन। बस इतना सा बेसिक सा चीज़ लेके कंपनी ने इसका वायरिंग डायग्राम किया है। अब मैं इस वायरिंग डायग्राम में आपको बताऊंगा इसका वायरिंग मतलब शुरुआत कहाँ से होता है। 15 एम्पेयर का एक फ्यूज़ आएगा जो आपका ग्रीन और ब्लू कलर का वायर से आएगा, लो स्पीड और हाई स्पीड रिले में दोनों 85 नंबर पे आएगा, दोनों आएगा पॉजिटिव सिग्नल, ठीक है, इसमें आ जाएगा। रिले आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस रिले में लो स्पीड और हाई स्पीड रिले में आ जाएगा। उसके बाद ये जो रेडिएटर का 40 एम्पेयर का फ्यूज़ होगा, ये दोनों लो स्पीड और हाई स्पीड दोनों में पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका लो स्पीड और हाई स्पीड रिले होगा इसका जो फ्यूज़ रहेगा, ये वाला फ्यूज़ रहेगा आपका केबिन के अंदर और ये वाला फ्यूज़ रहेगा आपका बैटरी का एकदम बाजू में, 6-7 फ्यूज़ रहता है वहाँ पर। तो इस दोनों पिन में लो स्पीड और हाई स्पीड दोनों पिन में पॉजिटिव सिग्नल इतना तक रहेगा। अब जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे, एसी ऑन करोगे, अब एसी ऑन करने पर कैसे फ़ैन चलता है और गाड़ी गर्म होने पर कैसे फ़ैन ऑन होता है अब देखते हैं। इसका जो फ़ैन का कनेक्शन है, फ़ैन का कनेक्शन ECM के साथ होगा। अब ECM इसको फ़ैन को ऑन करने के लिए कौन सा चीज़ यूज़ करेगा वो देख लेते हैं। ECM फ़ैन ऑन करेगा दो कंडीशन में, एक होगा आपका ECG सेंसर, एक होगा आपका AC प्रेशर स्विच। इस दोनों में से कोई भी एक सेंसर अगर ECM को सिग्नल देगा फ़ैन ऑन करने के लिए तो ECM फ़ैन ऑन कर देगा। जैसे कि देख लो, ECG सेंसर में एक वायर आएगा आपका वाइट कलर का वायर, ये वाला वायर आएगा आपका वाइट कलर का वायर, वाइट कलर का वायर इसमें से आएगा, और दूसरा वायर आएगा आपका ब्राउन कलर का वायर, ये वायर का कलर होगा ब्राउन कलर का, ठीक है। एक आएगा आपका पॉजिटिव, एक आएगा आपका नेगेटिव। तो दोनों जब ECG सेंसर में आएगा तो ECG सेंसर चेक करेगा गाड़ी का टेम्परेचर कितना है, गाड़ी का अंदर जो कूलेंट होता है उस कूलेंट के टेम्परेचर कितना है वो पता लगाने के लिए ECG सेंसर लगाया जाता है। कूलेंट जितना गर्म होगा उस हिसाब से ECG सेंसर ECM को सिग्नल देगा। अगर कूलेंट 90 डिग्री से ऊपर अगर कूलेंट का टेम्परेचर पहुंच गया तो आपका फ़ैन ऑन हो जाएगा। उससे पहले मैं AC का सिस्टम भी एक साथ बता देता हूं, तो वीडियो थोड़ा लंबा नहीं होगा। AC का सिस्टम में क्या होगा, ये होगा आपका इसके HPLP प्रेशर स्विच में 4 वायर होगा, 4 पिन, ठीक है, 4 पिन प्रेशर स्विच होगा। 4 पिन के अंदर 4 पिन प्रेशर स्विच क्या करेगा, ये आएगा आपका एज हीटर कंट्रोल मॉड्यूल से होते हुए थर्मिस्टर में आएगा, थर्मिस्टर में होते हुए ब्लैक और रेड कलर का,
ब्लैक और रेड कलर का एक वायर सीधा जाएगा इसमें। जब आपका सिस्टम में गैस होगा तो ये सिस्टम आपस में जुड़ जाएगा। जुड़ने से क्या होगा, ये सिस्टम सीधा जाएगा आपका ईसीएम में। ईसीएम में जाके क्या करेगा, ये एसी सिस्टम को ऑन करेगा, मतलब एसी जो रिले होगा, एसी का जो रिले है उस रिले को ऑन करेगा। मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा अभी, एसी सिस्टम के ऊपर बात नहीं करूँगा, फ़ैन के ऊपर। जब इसके प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर स्विच में क्या होता है, इसका हाई प्रेशर जो होता है 406 PSI होता है और लो प्रेशर होता है 30 PSI। ये काम कैसे करता है, ये स्विच काम कैसे करता है, जब प्रेशर स्विच मतलब लिक्विड पाइप के अंदर 254 PSI प्रेशर पहुंच जाएगा तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ से एक नेगेटिव फ्लो सीधा जाएगा आपका ब्लैक ऑरेंज कलर का, ब्लैक और ऑरेंज कलर का एक वायर सीधा जाएगा आपका ईसीएम में। ये वायरिंग होगा आपका ब्लैक और ऑरेंज, ब्लैक ऑरेंज कलर का वायर जाएगा सीधा ईसीएम में सिग्नल के थ्रू। अब ईसीएम को क्या हुआ, पता लग गया, जो एसी ऑन कर दिया कस्टमर ने, एसी ऑन कर दिया, अब फैन ऑन करना है। इस दोनों सेंसर के माध्यम से, इस दोनों सेंसर में कोई भी एक सेंसर अगर सिग्नल दे गाड़ी ओवरहीटिंग हो रहा है, ये एसी ऑन कर दिया, तो ये क्या करेगा, फैन को ऑन कर देगा। अब फैन कैसे ऑन होता है वो देख लेते हैं। जब ये दोनों सेंसर ऑन हो जाएगा तब ब्लैक और ब्लू कलर का एक वायर, ब्लैक और ब्लू कलर का वायर लो स्पीड रिले को सबसे पहले नेगेटिव देगा। ये वायरिंग का कलर होगा ब्लैक और ब्लू, ब्लैक ब्लैक और ब्लू कलर का वायर इसमें नेगेटिव देगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ गया तो यहाँ पर एक मैग्नेट बनना शुरू हो जाएगा। जब मैग्नेट बनेगा 30 और 21/7 नंबर आपस में जुड़ जाएगा। 30 और 21/7 नंबर जब आपस में जुड़ जाएगा तब यहाँ से एक वायर सीधा जाएगा आपका रेसिस्टेंट के अंदर। ये वायरिंग का कलर होगा आपका ग्रीन वाइट। उसके बाद रेसिस्टेंट से निकलते हुए ये सीधा जाएगा आपका यहाँ से होते हुए आपका फ़ैन, कूलिंग फ़ैन के अंदर। अब कूलिंग फ़ैन के इस वायरिंग का कलर होगा ग्रीन ब्लू, ग्रीन ब्लू, और ये कलर होगा आपका ब्लैक कलर। तो ब्लो ये जो रेडिएटर फ़ैन है, जो कंडेंसर फ़ैन है, यहाँ से इसको नेगेटिव मिल गया, ठीक है, यहाँ से इसको नेगेटिव मिल गया, यहाँ से इसको पॉजिटिव मिल गया। रेसिस्टेंट के माध्यम से आएगा क्योंकि इसका जो एम्पेयर का होगा, जो करंट का फ्लो होगा, वो बहुत कम हो जाएगा। कम होने से क्या होगा, इसका जो एम्पेयर होगा, ये रेडिएटर फ़ैन बहुत ही स्लो स्पीड में घूमने लग जाएगा। अब जब इसी की सेंसर ईसीएम को सिग्नल देगा कि गाड़ी बहुत ज़्यादा ओवरहीटिंग हो रहा है तो फ़ैन को हाई स्पीड करना, या आपका एसी सिस्टम में 254 PSI से भी ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, अब आपको हाई स्पीड फ़ैन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब क्या करेगा, यहाँ से बेसिकली देखा जाए तो एसी ऑन करने पर एक बार हाई स्पीड और एक बार लो स्पीड होता रहता है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे बंदे पूछता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार हाई स्पीड होगा एक बार लो स्पीड होगा, क्योंकि ये जो स्विच होता है इसका प्रेशर को ईसीएम को बताता है, ईसीएम को, ईसीएम के साथ कनेक्शन होता है इसका। जैसे प्रेशर कम हो जाएगा लो स्पीड हो जाएगा, जैसे प्रेशर बढ़ जाएगा हाई स्पीड हो जाएगा, ठीक है, इस हिसाब से काम करता है। जैसे कंप्रेसर कट मारेगा तो फ़ैन भी बंद हो जाएगा, तो एक बार हाई स्पीड एक बार लो स्पीड तो आपका फ़ैन ओके है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा, गर्मी का टाइम होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा, तब यहाँ से ब्लैक और वाइट कलर का एक वायर, ब्लैक और वाइट कलर का एक वायर सीधा जाएगा आपका ईसीएम के हाई स्पीड फैन रिले के अंदर। इस वायरिंग का कलर होगा आपका ब्लैक वाइट, ब्लैक और वाइट कलर का वायर सीधा जाएगा 21/6 नंबर पे नेगेटिव सिग्नल। अब यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव सिग्नल, तो ये मैग्नेट बन जाएगा। मैग्नेट बनने के बाद 30 और 21/7 नंबर आपस में जुड़ जाएगा। जुड़ने से क्या होगा, ये वाला वायरिंग आपका ग्रीन और येलो कलर का वायरिंग, ग्रीन और येलो कलर का वायरिंग ये जाएगा आपका सीधा इस वायरिंग में कनेक्ट हो जाएगा, इस वायरिंग में कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट पॉजिटिव आ जाएगा, इसके अंदर कोई रेसिस्टेंट है नहीं, तो रेसिस्टेंट ना होने से ये कूलिंग फ़ैन के अंदर डायरेक्ट आएगा, तो आपका फ़ैन का स्पीड एकदम फुल स्पीड में चलने लगेगा, जैसे पहले वाला रिले में भी आ रहा है, मगर बीच में एक रेसिस्टेंट दे दिया, मगर इसके बीच में कोई रेसिस्टेंट है नहीं, तो बैटरी का जितना भी 40 एम्पेयर का करंट का फ्लो सीधा आएगा आपका कूलिंग फ़ैन के अंदर, तो आपका कूलिंग फ़ैन हाई स्पीड में चलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में दिक्कत आए तो आप बता देना, इंशाल्लाह मैं इसको जवाब देने का कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।